बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 4.8 एक्सरसाइज। जैसा कि आपने 4.7 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, तो 4.8 में जो टॉपिक है वो है साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं, इसके बारे में थोड़ा पहले मैं आपको बता दूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक इक्वेशन और दो वेरिएबल हैं तो क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? डेफिनेटली इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता जब तक इसके साथ की एक और इक्वेशन आपके पास ना हो। तो इस तरह के जो पेयर ऑफ इक्वेशन होती हैं जिसे हम सॉल्व करके हम उनको फाइंड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो डेफिनेशन आपको मैं बता दी है, इफ एन इक्वेशन इन्वॉल्व्स टू अननोन्स वी कैन नॉट सॉल्व इट फॉर दिस पर्पस अ पेयर ऑफ इक्वेशन विल बी गिवन फॉर फॉलोइंग दीज इक्वेशन। We use the two equations simultaneously, यानी दो equations की जरूरत होगी। So the set of such equations is called simultaneous equations. अच्छा, 4.8 और 4.9 दोनों exercise simultaneous equations की हैं। अब 4.8 में हम case 1 discuss करेंगे। Case 1 क्या है? अब आपके पास दो equations होंगी, उन दोनों equations में से एक इक्वेशन होगी लीनियर, एक इक्वेशन होगी लीनियर और दूसरी इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक। दोबारा सुन लें, पहले केस में आपके पास दो इक्वेशन में से एक लीनियर इक्वेशन होगी और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। 4.8 सारी की सारी केस वन से हो जाती है। अब सॉल्व करने का मेथड क्या होगा? आपने करना ये है कि आपने लीनियर इक्वेशंस को पहले सॉल्व कर लेना है, लीनियर इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेना है किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट, यानी इन टर्म ऑफ एक्स या इन टर्म ऑफ वाई, जो भी वैल्यू आई उसको दूसरी इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक में रिप्लेस कर देना है, तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इन दिस मेथड वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म ऑफ द अदर वेरिएबल फ्रॉम लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन को पहले सॉल्व करेंगे and then substitute this value in the quadratic equation. फिर ये वाली value जो quadratic equation होगी उसको उसमें replace कर देंगे। This equation can be easily solved. ठीक है जी, यानी पहले linear को solve करना है फिर quadratic में replace कर देना है। तो start करते हैं question number 1 से। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि question 1 से लेकर question 7 तक बिल्कुल same question है, यानी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक में रिप्लेस कर देंगे, सॉल्यूशन सेट लिख दिया करें। तो क्वेश्चन वन देखते हैं, 2x - y = 4 और 2x² - 4xy - y² = 6। जारी बात है इसमें पहले वाली जो इक्वेशन 2x - y = 4 ये लीनियर है और दूसरी वाली क्वाड्रेटिक है। तो सबसे पहले तो इन इक्वेशन को नाम दे देते हैं। पहली वाली इक्वेशन को 1 कह दिया, सेकेंड इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। देन अब सॉल्व किसको करेंगे? लीनियर को, यानी फर्स्ट वाली इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स या वाई सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं इसको इसमें से वाई की वैल्यू फाइंड कर ली 2x - 4 और इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। अब इसको रिप्लेस कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, पुट y = 2x - 4 इन इक्वेशन नंबर 2, यानी क्वाड्रेटिक में पुट कर दी इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जहां जहां y आपको नजर आ रहा है उस y की जगह हम रिप्लेस कर देंगे 2x - 4, 2x² - 4x * y की जगह 2x - 4, इस y की जगह 2x - 4² = 6। 2x² ऐसे ही इस 4x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, 8x² बन गया एंड 16x, और इसका स्क्वायर ओपन कर लिया, a² + b² - 2ab का फर्क, यानी 4x² + 16x - 16 = 6। नेक्स्ट, अब x² को लेदा सॉल्व कर लें, x को लेदा और कांस्टेंट लेदा, यानी इन दोनों को सॉल्व किया तो -6x² आ गया, -16x वैसे ही आ गया, इस माइनस की वजह सारे साइन चेंज हो गए, प्लस का 6 दूसरी साइड पे आके माइनस हो गया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं तो ये बनेगा -10x² + 32x - 22। अब आप देख रहे हैं कि इसमें से -5 -2 कॉमन हो सकता है, तो -2 कॉमन ले लेते हैं,
5x square minus 16x plus 11 equals to 0. अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड आपने पढ़े हुए हैं। आप बाय फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, आप बाय कंप्लीटिंग स्केयर कर सकते हैं, या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको आसान तरीके यानी फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर रहा हूँ। तो एड करने से माइनस 16 बन रहा है और मल्टीप्लाई करने से 5 11 55, तो 11 और 5 का पेयर बन गया। जी हमें मिल गया 5x square minus 11x minus 5x plus 11 equals to 0। अब पहले दो में से कॉमन लेना है, जैसे फैक्टराइज करते हैं दूसरे दो में से कॉमन ले लिया। नेक्स्ट यहाँ पे दो फैक्टर बन गए, 5x minus 11 into x minus 1 equals to 0। सो आइदर 5x minus 11 equals to 0 और x minus 1 equals to 0। प्रॉपर्टी लगा दी रियल नंबर की, a डॉट b इज इक्वल टू जीरो, तो आइदर a इज इक्वल टू जीरो और b इज इक्वल टू जीरो। सो x की वैल्यू यहाँ से सॉर्ट आउट कर ली, x इज इक्वल टू 11 बाय 5 एंड x इज इक्वल टू 1। ये जो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में y की वैल्यू देने के लिए। तो पुट x इज इक्वल टू 11 बाय 5 इन 3 और ये x इज इक्वल टू 1 बाय 3 हो चुकी है। तो 3 में रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिल गई, यानी इस x की जगह x की वैल्यू रिप्लेस कर दी। तो y is equal to 22 LCM ले लिया minus 20 over 5 and y is equal to minus 2। So अब इसको order pair में लिखना है अपने solution set को। ये x की value 11 over 5, इसके corresponding ये y की value यानी my 2 over 5 आई है, और ये x की value 1 और इसके corresponding minus 2। तो इस तरह order pair में लिख देंगे तो ये आपका solution set बन। तो ये same question, question number 1 to question number 7। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो डिस्कस कर लेते हैं। उसी तरह एक आपके पास लीनियर इक्वेशन है और एक क्वाड्रेटिक, x plus y equals to a plus b और x over a plus y over b over y, a over x plus b over y is equal to 2। अब ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। कैसे क्वाड्रेटिक है? अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे एलसीएम लेके तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी, यानी x y की प्रोडक्ट टर्म आ जाएगी इसमें। उसी तरह सबसे पहले आपने इसको नाम दिया, पहले वाली इक्वेशन को a कह दिया, 1 कह दिया, दूसरी इक्वेशन को 2 कह दिया। तो मेथड वही होगा, आप इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व कर लेंगे, y is equal to a plus b minus x, इसको रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो जब रिप्लेस करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 में जहां भी आपको y नजर आ रहा होगा उस y की जगह रिप्लेस कर देंगे a plus b minus x। तो मैंने रिप्लेस कर दिया। इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जो डिनोमिनेटर है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो a into a plus b minus x plus bx is equal to 2x, ये सारा एलसीएम दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई। फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, a को मल्टीप्लाई कर दिया सबके साथ, a square plus ab माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स इक्वल्स टू 2ax प्लस 2bx माइनस 2x स्क्वायर। अब सबको एक साइड पे कर लेते हैं, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बना लेते हैं। माइनस 2x स्क्वायर इधर आके प्लस 2x स्क्वायर बन गया, x वाली माइनस ए एक्स और माइनस ए एक्स ये है और माइनस 2x दूसरी साइड पे जाके ये बन गया, तो माइनस 3x। इस तरह प्लस का b एक ये और 2bx दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस bx बन गया। सो एक ए बी ये और ए स्केयर ये। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी एक x स्केयर वाली टर्म, एक x वाली टर्म और एक कॉन्स्टेंट। इसको कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड आउट होगी। क्योंकि यहाँ मैं फैक्टराइज नहीं कर सकता, सो यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2। तो इसमें वैल्यूज रिप्लेस करते हैं, माइनस इंटू माइनस बी, बी की वैल्यू के साथ ऑलरेडी माइनस है तो एज इट इज रिप्लेस कर दिया, प्लस माइनस बी स्केयर
बी का स्केल माइनस फोर ए की वैल्यू टू है और सी की वैल्यू ए बी प्लस ए स्केल डिवाइडेड बाई टू इंटू ए की वैल्यू टू है। सो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, थ्री ए प्लस बी प्लस माइनस ना, इसका स्केयर एक्सपेंड कर देते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी का फार्मूला लगा दिया, फोर टू जार एट, एट ए बी, फोर टू जार एट इंटू ए स्केयर, तो एट ए स्केयर, इस माइनस की वजह से प्लस माइनस माइनस हो गया। इसको कम्प्लीटली सॉल्व किया तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी बन गया, बिकॉज माइनस एट ए बी प्लस सिक्स ए बी माइनस का टू ए बी रह गया, एट ए स्केयर माइनस का और नाइन ए स्केयर प्लस का, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए, ये एक आपको नजर आ रहा है कंप्लीट स्केयर का फार्मूला है, ए माइनस बी होल स्केयर, स्केयर्स के रूप से कैंसिल करते हैं तो थ्री ए प्लस बी प्लस माइनस ए माइनस बी ओवर फोर। सिंपली अब इसको एक दफा प्लस में लिख देंगे, एक दफा माइनस में लिख देंगे, तो यहाँ से दो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू फोर ए ओवर फोर, टू ए प्लस टू बी ओवर फोर। सो ये दो वैल्यूज एक्स की आ गई, अब वापस इसको रिप्लेस कर देते हैं इक्वेशन नंबर थ्री में, यानी वही वाली इक्वेशन जो आपने क्वाड्रेटिक जो लीनियर को सॉल्व करके बनाई थी, तो जब रिप्लेस करेंगे तो एक्स की जगह रिप्लेस करेंगे तो ए प्लस बी माइनस ए, इधर एक्स की जगह रिप्लेस किया तो ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी ओवर टू, यहाँ से ये कैंसिल हुआ तो वाई इज इक्वल टू बी, यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी ओवर टू, एक्स की वैल्यू ए वाई की बी, तो ए क्वार्टर पेयर बन गया ए कोमा बी, इधर एक्स की वैल्यू ए प्लस बी ओवर टू और वाई भी ए प्लस बी ओवर टू, तो ये सॉल्यूशन सेट हो गया। सो स्टूडेंट्स अब सेम इसी तरह क्वेश्चन वन से क्वेश्चन सेवन तक क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन वन और फाइव हमने कर लिया है, बाकी आप लोग असाइनमेंट में ट्राई कीजिएगा। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट टू क्वेश्चन नंबर टेन। अच्छा पहले आप ये देख लें क्वेश्चन नंबर एट टू क्वेश्चन नंबर टेन केस पहले ये, लेकिन इसमें जो दोनों इक्वेशन हैं दोनों इक्वेशन में एक्स स्केयर और वाई स्केयर वाले टर्म्स होंगे, दोनों इक्वेशन में एक्स स्केयर वाली टर्म भी होगी और वाई स्केयर वाली टर्म होगी, तीनों क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर एट नाइन और क्वेश्चन नंबर टेन बनेगा ये पहला वाला केस ही। अब देखते हैं इसमें से मैं क्वेश्चन नंबर नाइन करवा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर नाइन की स्टेटमेंट है एक इक्वेशन है एक्स स्केयर प्लस वाई प्लस वन होल स्केयर इक्वल्स टू 18 और दूसरी इक्वेशन एक्स प्लस टू होल स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल्स टू 21। सो सबसे पहले तो इक्वेशन को नाम देते हैं, पहली वाली इक्वेशन को कह दिया वन और दूसरी वाली इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन नंबर टू। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों में स्केयर वाली टर्म्स है, तो पहले तो इनका होल स्केयर ओपन कर लेते हैं, पहली वाली इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्केयर ये वाई प्लस वन होल स्केयर ओपन किया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी वाला फॉर्मूला लगाया, 18 वैसे का वैसे ही है। नेक्स्ट अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, 18 इधर आके माइनस हो गया, 1 माइनस 18 या 1 उधर जाके माइनस हुआ तो 17 रह गया और ये 2, इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर वन को सिंप्लीफाई करके इक्वेशन नंबर थ्री बना दिया, इसी तरह टू को सिंप्लीफाई करके इक्वेशन नंबर फोर का नाम दे, इसमें भी एक्स प्लस टू होल स्केयर ओपन किया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी वाला फॉर्मूला लगा के वाई स्केयर एज इट इज इक्वल टू 21, 4 प्लस है उधर जाके माइनस, तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 4x इक्वल्स टू 17। इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फोर। नाउ आप देखें इक्वेशन नंबर थ्री एंड इक्वेशन नंबर फोर, इसमें भी एक्स स्केयर वाई स्केयर वाले टर्म है और इक्वेशन नंबर फोर में भी एक्स स्केयर वाई स्केयर वाले टर्म मौजूद है। सो हम इक्वेशन नंबर थ्री से फोर को या फोर में से थ्री को सबट्रैक्ट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि एक्स स्केयर और वाई स्केयर का साइन सेम है, अगर सेम साइन हो तो सबट्रैक्ट कर लें, अगर डिफरेंट हो तो ऐड कर लें। सो subtract 3 from 4, equation number 3 and equation number 4, इसको subtract कर लेते हैं,
एक्स के से कैंसिल, वाइस के से कैंसिल इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है जी? सो टू दोनों में से कॉमन लेके उधर जाके जीरो से डिवाइड कर दिया, सो वाई इज इक्वल टू टू एक्स। अब देखें फिर वही बात आ गई, एक लीनियर इक्वेशन बन गई ये वाली, और ऊपर कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेना या थ्री या फोर। सो मैं इस इक्वेशन को यानी वाई इज इक्वल टू टू एक्स को रिप्लेस कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर फोर। तो जहां जहां आपको वाई नजर आ रहा है वहां वहां टू एक्स रिप्लेस करते जाएंगे। इस y की जगह 2x यानी x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 17, स्क्वायर ओपन किया तो 4x स्क्वायर बना माइनस 17 इज इक्वल टू 0 यानी x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर तो 5x स्क्वायर बन गया, 4x ऐसे ही और 17 प्लस इधर आके माइनस। कंपेयर कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से, x स्क्वायर के साथ a, x के साथ b, कॉन्स्टेंट सी। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू। सेम क्वेश्चन पहले वाले ही बन गए, यानी पहले क्वेश्चन नंबर वन से क्वेश्चन नंबर सेवन तक जो एलेट केस डिस्कस किया सेम उसी पैटर्न से चलेंगे। वैल्यूज रिप्लेस करते हैं, बी की वैल्यू फोर, ए की फाइव और सी की माइनस सेवन। फोर स्क्वायर 16, 4 इंटू 5 इंटू 17 माइनस माइनस प्लस हो गया 340, ऐड करेंगे तो 356, 356 का स्केल लिख सकते हैं 4 इंटू 89, 4 को 2 का स्केल, 4 का स्केल रूट 2 बाहर आ गया, 89 वैसे ही आ गया। इन दोनों में से 2 कॉमन लेके डिवाइड कर देते हैं 10 पे, तो माइनस 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 89 ओवर 5 यानी x की वैल्यू आ गई। इसको एक दफा प्लस में लिख देते हैं और एक दफा माइनस। अब जैसे ही x की वैल्यू आ गई तो इसको हम उसी इक्वेशन में प्लेस करेंगे जो लीनियर इक्वेशन बनी थी। सो मैं क्या कर देता हूँ, पुट x इन 5, इसमें 5 में पुट कर देते हैं, तो y की वैल्यू 2 इंटू एक्स था, तो x की जगह x की वैल्यू, इधर भी 2 इंटू एक्स था, x की जगह x की वैल्यू, तो ये बना 2 इंटू 2 4 इंटू 2 अंडर रूट 89 ओवर 5। और इसी तरह y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 माइनस 4 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 89 बाई 5। सो अब x के कॉरेस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू है उसका एक ऑर्डर पेयर बन गया, यानी प्लस वाले का प्लस वाले के साथ माइनस वाले का माइनस वाले के साथ। सो सॉल्यूशन सेट माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 89 ओवर 5 माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 289 ओवर 5। सो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों ने ट्राई करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट के अगले लेक्चर में बात होगी। अल्लाह हाफिज़।